सैनिटेशन क्लब में जाके पहले वहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा, चार्जेस भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर बात करिएगा। जी यहाँ कुछ भी बात करने के पहले चार्जेस लेके हमको पर्ची देना पड़ेगा। Congratulations for such a good victory, we must say. Kya kehna chahenge aap? How is the journey been and what is special today? What is Brightson like? Since the time I've come out of Big Boss house, there are a lot of new things happening and a lot of beautiful things happening. And I have some beautiful company with me. Aaj jo hai, we are shooting Bites on Bike. It's a special shoot for us today. It's very special for Anmol. Anmol is my friend. She's a survivor, she's an acid survivor, and trust me, she's so beautiful at heart. Not just that, she is more confident than what I am. Believe me, while I was inside, bahut sara confidence to isne mujhe diya hai andar. It's an amazing feeling that today we are shooting this whole shoot. And not just that, this is a special shoot. I feel every woman is beautiful and they all love getting dressed up as brides. बट द थीम इज़ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है ये। ये जो ब्राइड्स हैं ये बाइक पे हैं, बिकॉज एज एवरीबडी नोज आई एम अ बाइकर एंड वी डिसाइडेड लेट्स डू दिस एंड शी इज़ गोना बी राइडिंग द बाइक विद मी, आई मीन शी इज़ गोना बी सिटिंग बिहाइंड मी एंड वी गोना बी राइडिंग द बाइक एज वेल। तो आज का शूट जो है खास इस चीज़ के लिए है और इसमें मैं हूँ, रिचा रनावत जो मेरी बहुत अच्छी बेस्टी है, जो मेरी डिज़ाइनर है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम दोनों इस कॉज से बहुत कनेक्टेड है बहुत सालों से एंड रिचा सबके लिए फैशन शोज ऑर्गेनाइज करती रहती है एंड शी डज़ अ लॉट बिहाइंड, वी डू अ लॉट बिहाइंड द सीन एज वेल। लेकिन टुडे आई थिंक दे शुड बी इन फोकस बिकॉज दे आर वेरी इंस्पायरिंग। रिचा इज़ हियर, हमारे साथ रिचा भी हैं। रिचा अनमोल, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना स्पेशल फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ब्राइड बनने का मौका मिला और इतना हर लड़की की सपना होता है, इच्छा रहती है कि वो ब्राइड जैसा सजे और खुद को एज अ ब्राइड देखे। तो पता नहीं अब मेरी शादी कब होगी, होगी नहीं, पर आज मुझे मौका मिला और अनदर एडवेंचरस थिंग इज़ कि आई एम गोना राइड बाइक विद हर, जो मतलब सबसे मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ है मेरे लिए। और स्मिता मैम जो इतना एसिड विक्टिम्स के लिए कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने मुझे फील कराया और मेरे बारे में इतना सोचा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिचा मैम के साथ तो मैंने पहले भी फैशन शो किया हुआ है, तो उनके साथ काम करना तो ऑब्वियसली मेरे लिए हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। शब्बू इज फुल पैकेज ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, उनको दे दीजिए। रिचा जी क्या कहना चाहेंगे, आज का दिन आपके लिए क्या अहम रखता है, सर ब्राइड्स ऑन द बाइक क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? ये आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए, आज बहुत ही स्पेशल शूट कर रहे हैं। ब्राइड्स, हर एक लड़की ब्राइड बनना चाहती है, हर एक लड़की दुल्हन की तरह सजना चाहती है और मेरे साथ एक मेरी बहुत प्यारी मित्र है अनमोल, जो आज दुल्हन की तरह सजी हुई हैं। और आज जो हम शूट करेंगे ये बाइक पे शूट करेंगे। सबको पता है कि मैं बाइकर हूँ, लेकिन जो ब्राइड्स हैं ऑन द बाइक, यानी जहाँ पे कॉन्फिडेंस लड़कियों का कहीं कम नहीं होता है, वी आर वर्सेटाइल पीपल, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन राइड अ बाइक्स, वी कैन fight, we can do sports, we can do everything, at the same time be brides and be great excellent homemakers. So yahi theme hai. Not just that, Anmol mere saath hai, she's an acid survivor, she's beautiful at heart and aaj wo aur bhi khoobsurat lag rahi hai bahut zyada. To aaj ye jo shoot hai ye Bites on the Bike, it's just to motivate Anmol and our friends like Anmol and be with them in this fight for them. अमोल जी क्या कहना चाहेंगे आप, लाइक इस तरह के गेटअप में ब्राइड बनना और वो भी बाइक में एक तरह का फ़ोटो शूट होना, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि बाइक पे, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और ब्राइडल लुक में खुद को देखना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी ब्राइड बन भी सकती हूँ। तो कोई लुक में भी कैसे दिखूंगी, तो पहली बात तो मैं इस गेटअप में बहुत मैं खुश हो रही हूँ और बाइक राइडिंग के लिए तो मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ, तो कि वो कैसा शूट होगा ये सब देखने के लिए। और मुझे लगता है कि वुमेन्स को एक तरह पे मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो एडवेंचरस नहीं हो सकती, वो
बाइक राइडिंग सिर्फ लड़कों के लिए जो स्टंट वंट कर सकते, तो स्मिता मैम जो है जो एक बाइक राइडर है और स्टंट भी करते बाइक्स पे, तो मेरे लिए भी मुझे भी उनसे ये सीखने मिला है कि कॉन्फिडेंस हर चीज़ में होता है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, आगे बढ़ते हो और आपको जो करना अच्छा लगता है वो करते हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस दिख के आता है। मैं तो कहूँगी कि इसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अनमोल में है। और मुझे जो सपोर्ट जब मैं बिग बॉस के अंदर थी तभी अनमोल ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे बाहर से, तो जो कॉन्फिडेंस इसमें है शायद मुझ में इतना नहीं है एक्चुअली। सो आज एक्चुअली हम लोग शूट कर रहे हैं ब्राइड्स ऑन बाइक, इन लोगों का गेटअप काफ़ी अलग होने वाला है, स्पोर्ट्स शूज लहंगे पे बाइक राइड करने वाले हैं, और हर लड़की का कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि वो ब्राइड बने, एंड हम अनमोल जैसी ब्राइड डेफिनेटली देखना चाहते हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि हर किसी को हक है। एंड मैं ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी इन्हें एसिड विक्टिम्स बोलता है, प्लीज़ मैं और स्मिता बहुत चीज़ पे इस चीज़ पे प्रेशर डालना चाहते थे, डोंट कॉल देम विक्टर्स, दे आर सर्वाइवर्स, दे आर दी ट्रू फाइटर्स, क्योंकि इन लोगों की जो स्ट्रगल है मींस वो हमारे कंपैरिजन में मींस हम हमारी स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन। एंड शब्बू हमारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, अनमोल, वी कॉल हर अनमोल नाउ, हर पेट नेम इज शब्बू फॉर अस, सो अनमोल इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस। अनमोल जी, आपकी फिल्म भी आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे आंटी जी में, लाइक शबाना आजमी के साथ काम करके आपके क्या फीलिंग है उनके साथ? हाँ, ये मेरी फर्स्ट शॉर्ट मूवी है जिसमें मुझे फुल फ्लेज एक्टिंग करने का मौका मिला है, और ये मूवी इसी मंथ रिलीज़ होने वाली है, और मैंने शबाना आजमी के साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो शबाना जी जैसे ग्रेट एक्टर के साथ फर्स्ट टाइम ब्रेक मिलना मेरे लिए, और वो इंडस्ट्री में कैसे होता है कि हमेशा खूबसूरत फेसेस को ही आगे किया जाता है, तो मुझे कास्ट किया गया और मुझे ये मौका मिला, तो डेफिनेटली मेरे लिए ये बड़ी बात है, और मैं खुद भी इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मैंने कैसी एक्टिंग करी है देखने के लिए फर्स्ट टाइम। और शबाना मैम के साथ ऑब्वियसली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स यस, सिर्फ बाइक नहीं लेकिन जो भी मैं जानती हूँ, जो भी नया सीख चुकी हूँ, मैं उनके साथ टाइम बिताना पसंद करती हूँ। उनको नया कुछ भी हो मैं सब कुछ सिखाना चाहूँगी। ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्लेजर, बिकॉज मुझे जो वक्त मैंने अनमोल के साथ थोड़ा वक्त जो भी गुजारा है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ये फीलिंग, मैं बहुत एनर्जी बिलीव करती हूँ, बहुत पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बहुत बिलीव करती हूँ, ये तो शो में देखा होगा आपने, लेकिन अनमोल के साथ इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतनी पॉजिटिविटी है और इतना कॉन्फिडेंस है, इज़ जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे साथ रिचा भी है, रिचा रानावत। ये आई डेफिनेटली वॉन्ट टू पुट, मतलब एक चीज़ मैं आगे रखना चाहूँगी कि हर कोई बोलता है कि हम ये करते वो करते, स्मिता उन लोगों में से है। मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ एसिड विक्टिम्स, HIV किड्स वगैरह के साथ, तो बैक ऑफ मी स्मिता कहीं ना कहीं रही है। अनमोल ने हमारे फैशन शोज पहले भी किए हैं एंड उसमें भी बैक हैंड स्मिता का रहा है, बट हम वो बोलना पसंद नहीं करती, बट आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि वो शूट हुआ है एंड वो ऐसे ही आ गया सबके सामने जी। कि वो इनको बहुत सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं उनके ट्रीटमेंट्स हो या कहीं एसिड विक्टिम्स है जिनको इंग्लिश सीखना हो या कुछ करना हो, तो मैं और स्मिता जितना हो सकता है हमारे साइड से हम डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर सके, मोटिवेट कर सके, और एक फाइटिंग स्पिरिट तो स्मिता खुद है, तो आई थिंक हर वुमेन में वो चीज़ है। रिचा, आपने स्टार्टिंग नोट मैं यही कहूँगी कि जो एसिड सर्वाइवर्स हैं हमारे लिए, ये दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल एंड दे हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। नॉट जस्ट दैट, आज जो हम एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं सब लोगों के लिए कि प्लीज़, एक बहुत अलग कंपैशन की ज़रूरत है और बहुत अलग प्यार का ज़रूरत है, और आज और एक सपोर्ट का देना भी बहुत ज़रूरी है। और आज यहाँ पे अनमोल बहुत सुंदर लग रही हैं इन अ ब्राइड्स गाउन, तो आज हम शूट करेंगे, आई थिंक विल हैव अ ग्रेट टाइम आउट हियर टुडे। एंड डेफिनेटली ब्यूटी इज नॉट जो सिर्फ शक्ल पे दिखती है, ब्यूटी वो है जो आपके दिल में है या आप अंदर से क्या हो। सो मेरा मानना है कि शब्बू मीन्स अनमोल बहुत 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 ज़्यादा प्रिटी है, क्योंकि उसका दिल इतना बड़ा है कि वो खुद अगर स्ट्रगल कर रही है तो भी वो सबको मोटिवेट करती है कि आप स्ट्रगल करो, गिव अप मत करो। यस, एग्जैक्टली। स्मिता मैम ने मतलब इतना, मैंने इतने बार बोला है कि स्मिता मैम मत बुलाओ, स्मिता बुलाओ मुझे आप, प्लीज स्मिता ही बुलाना। स्मिता ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो
बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और जो उनका ड्रीम्स है. मतलब पर्सनली मेरे लिए बाइक राइडिंग में बहुत डरती हूँ, मतलब मैं एक्टिवा चलाने के लिए भी डरती हूँ. तो मेरे लिए बहुत बड़ा था कि बाइक राइडर है, स्टंट करते हैं, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. और जो मतलब अभी हम लोग करने वाले बाइक ऑन द राइड्स, तो मुझे लगता है कि इससे लोगों तक मैसेज जाएगा कि वुमेंस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं. तो स्मिता मैम ने ये चीज़ लाई कि वो मतलब लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएगी, तो मुझे इनका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा और मैं फुल सपोर्ट करती हूँ कि इनको ऐसे काम करते रहना चाहिए और मैं भी हमेशा जुड़ी रहूँगी ऐसे कामों में. और एक लास्ट चीज़ थी जो सब जानना चाहते थे, लास्ट इंटरव्यू में मैंने और स्मिता ने कहा था कि स्मिता बहुत जल्दी रैंप पे चलेगी. तो डेफिनेटली वो रैंप ये दोनों साथ में शेयर करने वाले हैं. सो आई थिंक होपफुली दिसंबर में हम ये चीज़ एग्जीक्यूट जरूर करेंगे. डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू. एक लास्ट नोट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सब लोग जो बोलते रहते हैं कि यू नो बॉडी शेमिंग करते हैं या ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, मीन्स अनमोल ने भी बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर की है जहाँ अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है तो कोई उसके पास नहीं आ रहा, कोई ऐसे बिहेव करते पता नहीं क्या हो गया. मेरा बोलना इसमें इसकी गलती है क्या, मीन्स अगर कोई लड़की छोटी कपड़े पहन रही है तो उसको उससे जज कर रहे हो, अगर कोई लड़की या कोई एक्ट्रेस सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिख गई तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करा दी. तो एक्चुअली हम सबको उसके अगेंस्ट खड़े रहना चाहिए. एंड अनमोल स्मिता के लिए उसी टॉपिक के लिए खड़ी हुई थी जब स्मिता बिग बॉस हाउस के अंदर थी कि उसे बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं पसंद. वॉट आप क्या बोलना चाहोगे दोनों? मैं तो ये बोलना चाहूँगी जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो. ऐसा नहीं कि अगर हम लोग को सब मतलब ऐसा मानना है कि भगवान ने हम सबको बनाया हुआ है तो उसने जो क्रिएट किया है वो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल ही होगा. तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, ना कि लोगों के पीछे बैक बिचिंग करते रहे कि ये तो ऐसी है, ये तो सुंदर नहीं दिखती. और मैंने भी बचपन से मैंने ये बात हमेशा मेरे साथ हुआ है कि मुझे लोगों ने जज किया है, मेरे बारे में बहुत बातें करी है, मुझे सोसाइटी मुझे लिटरली अब नॉर्मल माना गया है कि मैं सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बहुत वियर्ड दिखती हूँ, ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है. और मैं मेरे कॉलेज के टाइम में तो मैं लिटरली डिप्रेशन में गई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कॉलेज में भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी. तो मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सारी चीज़ों से बाहर आने में और लोगों को दिखाने में कि मैं जो हूँ मैं हूँ, तुम लोगों को एक्सेप्ट करना है करो नहीं तो मत करो. और मैं मेरी लाइफ जीऊँगी जैसे सब लोग जीते हैं, मुझे भी नॉर्मल लाइफ जीने का उतना ही हक है जितना कि सब लोगों को है. इन शॉर्ट वी आर ऑल अगेंस्ट बॉडी शेमिंग. सो प्लीज़ गाइज आप इस पे ध्यान दीजिएगा. प्लीज़ वी आर सेंसिटिव पीपल, बहुत बुरी बात है. सो प्लीज़ वी स्टैंड अगेंस्ट इट. डिप्रेशन डेफिनेटली शी इज वेरी स्वीट. थैंक यू एक मिनट अरे तांबे दादा अर्चना फ्रेम से हट जाओ. आप उनके शोल्डर पे मैम एक मिनट पोज कर उसके ऊपर.
आ जा। ग्लेज निकाल देते हैं तो शब्बो मुझे दे। आजाद का है शब्बो, उसको हॉप कर कुछ भी कर। अच्छा नो नो नो, इट्स नॉट। वन मिनट वेट। इधर आ जाइए, साइड कैंडल उसमें का भी दूसरी तरफ से देखो। मैं सी रख एक मैम, लेफ्ट टू राइट। हाँ तो दूसरा आउटफिट था जो राइडिंग के लिए, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं इधर मंगा तो तुझे चाहिए होना चेंज है। आई कैन आस्क आशा तक पॉइंट के लिए।